किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए ना बन। अरे हट जा यहाँ से। ओए जी ओए लंग। आया आया, ये देखना क्या निकलेगा अभी यहाँ। नेवला हम खेल रहे डम शराड। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठ गई हूँ। और मुझसे पहले उठ गया था राहुल सुबह सुबह 5 बजे, फिर चला गया था वो ग्राउंड, वापस आ गया है। पर बाहर हो रही है बारिश, मैंने सोचा था आज कहीं जाऊँगी व्लॉग बनाऊँगी, पर कैसे बनाऊँगा बाहर तो बारिश हो रही है। चलो फिलहाल उठते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल है आज आर्यन का पेपर, उसको करते हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे क्या विश करना, पेपर आज आर्यन का, यार नहीं आज आर्यन का एग्ज़ाम है तो उसको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और आज क्या है, संडे है, साथ में छुट्टियाँ हैं, छुट्टी होगी सारी जगह। मैंने सोचा था आज जाते हैं कहीं घूमने फिरने, आपको भी ले जाते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। रीता भी आएगी शायद, उसको भी बोलना था। बहुत नींद आ रही यार, क्योंकि कल रात को फिर से मैं लेट सोई हूँ एडिटिंग के चक्कर में। विंडो में देखो सुबह सुबह यहाँ क्या है। हेलो गुड मॉर्निंग, ये देखो भाई शिमला में नजारे सुबह सुबह, ये देखो क्या मिल गया हमें। गुड मॉर्निंग, इससे नहीं लगता यार डर, ये लंगूर है ना, इसको तो मैं विंडो खोल लूं। हेलो भाई साहब, क्या हाल चाल है? अरे हट जा यहाँ से। ओए जी, दांत दिखा रहा है ऐसी की तैसी। ओए राहुल अटैक लंग, वो लंगूर अटैक करने लग गए कब से सुबह सुबह। शुक्र मैंने बंद कर दिया, इसकी अपनी जिंदगी है, मैंने छेड़ा कब इसको। अच्छा इसकी अपनी जिंदगी, तेरी जिंदगी भाई लाइव बंद कर दिया। मेरे को लगता था लंगूर बड़े शरीफ होते हैं, पर आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि इसे मैं तेरे को क्यों रहा है, मेरा स्टाइल अपना अपना स्टाइल होता है सबका, तो इससे हमें पता चलता है कि किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए, न बंदर पे न लंगूर पे और ना ही इंसान पे, ना ही अपने भाई पे, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे को उल्टा डांट रहा है राहुल। चलो कोई नहीं, अब बंदरों के साथ साथ लंगूरों से भी सावधान रहना पड़ेगा। शिमला में यार मेरे को लगा था लंगूर नहीं करते कुछ, मैं तो इसको कुछ भी नहीं किया था, ये तो एक और कर रहा था, फिर तो ये विंडो में ही आ गया था ऐसे डराने। बाकी सुबह सुबह सारे एनिमल्स अग्रेसिव रहते हैं, चाहे वो बंदर हो चाहे वो लंगूर हो, तो इनके साथ ज्यादा के साथ कुछ। देखो गाइस हु इज इन द हाउस, गाने बंद कर कॉपीराइट क्लेम बजाएगी। गाइस मूवी का कॉपीराइट नहीं आएगा, इसकी मूवी का नहीं आता। अभी बज चुके हैं दिन के 12, दिन के 12 ये लोग सोए हैं। हाँ तो ये आ गई हमारी शांति भंग करने यहाँ पे की शांति भंग, जिसको इसकी याद आ रही थी वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। वो यार किसी ने तो आपको कमेंट किया था, और मैं तो डेली बनाऊंगी अब से, डेली व्लॉग बनेंगे, डेली अपलोड किए जाएंगे, बता। तो इसी बात पे अब मुझे खाना ला जल्दी जल्दी। खाना तू लाएगी बनाएगी? ये बोल रही खाना लेके आ, खाना बनाया किसने? मैंने बनाया ना, जा बना दिया तूने। हाँ तो जा लेके आ, कड़ी गर्म करियो, पर कड़ी मैंने बना दी है, चावल भी मैंने अभी बना दिया है, अभी जस्ट ये आई और सरप्राइज दे रही थी मेरे को, फर्स्ट टाइम व्लॉग शूट करना भूल गई यार, पर बहुत मजा आया इससे मिलके। इससे नहीं रह जाता ना मेरे बगैर, ये दौड़ी चली जाती है। तभी तो इसने ही मुझे फोन किया कि आजा आजा, बहुत टाइम हो गया मिले नहीं। कौन किया मेरे फोन? कौन लग बता दो। मैंने किया, मैं बोल रही थी आज जा दर्शन दे दू तेरे को, तरस रही होगी तेरी आंखें। खाना लेके आ, डालेगी तू? मैं डालूंगी, अब तो सब डालेगा, सब रो। पहले जब मेरे को लोग बोलते थे ना ये मत डालना, तो मैं सोचती थी अब नहीं डालूंगी, पर अब जब मेरे को लोग बोलते ना ये मत डालना, मैं वही चीज डालती हूँ। तो फिर वो डिलीट करते हैं जो, क्यों करूँ डिलीट? कर जा, खाना ले गया यार। अपने रूम पे काम कौन करवा? तू नहीं कराती क्या? तेरे रूम में टोस्ट किसने बनाए थे बता? बेटे बर्तन किसने धोए थे? लगता है ना इसकी मेमोरी वीक हो गई है थोड़ी, मुझे लग रहा है कि मैं इसके सिर पर मारूं। इसने खा लिया खाना, इसको नहीं छेड़। आज संडे है तो हम सारे वेले पड़े हैं, और तू ला रही है कि नहीं ला रही है? भूख लग रही है, मैंने सुबह कुछ नहीं खाया, तू खुद परांठे खा के आई है, और तू परांठे भी बना रही है आके। अच्छा ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, चल बना ही ले। अब तो ये बिल्कुल भी नहीं डाल पाएगी।
इतना खराब आया है? नहीं अच्छा है। देखो इसमें खाने में क्या बनाया है, देखते हैं जरा। कर रही हूँ काम। तो अभी हमारा खाना आ गया है, मैंने कढ़ी बनाई थी और गेस्ट हमारी है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम अपना लंच कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखो तो अभी हम लोग आ गया बाहर लंच करके, अभी नेचर में वॉक कर रहे हैं। हमारे साथ ये है मैडम, काफी अच्छी बातचीत हो रही है हमारी। और चलते अभी रेलवे स्टेशन जाएंगे, देखते वहाँ क्या क्या बनता है। इधर से लाइट अच्छी नहीं आ रही क्योंकि सुबह बारिश हुई थी, तो ये देखो मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। चले हैं हम रेलवे स्टेशन की ओर। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे को शिमला के क्या क्या काम थे। आनी रेत पर मैं दिखा दूंगी, ये नाक साफ कर रही थी। तो शिमला के मुझे काम है, पहला मुझे काम है डॉक्टर के पास जाने को, और वो मुझे कल जाना है। कल है मंडे है ना, मंडे है कल। हाँ कल मुझे पहले डॉक्टर के पास जाना है, और मेरी कुछ एक चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई है वो भी लेनी है। वो ज़रूरी काम था, सबसे ज़रूरी काम वही था, क्योंकि अभी मैं घर में काफ़ी लंबे टाइम के लिए जाऊँगी। अभी बादाम तोड़ने हैं और भी काम है, तो घर में काफ़ी लंबे टाइम रहूँगी, तो मुझे अपनी चीज़ें थी जो यहाँ से लेनी है। यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े हैं, मुझे वो भी ले जाने हैं। और मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है, कल परसों देखते हैं। नहीं कल तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ, परसों फ्री है तू? परसों फ्री है तो परसों चलते हैं। फिर मैं उससे कुछ दिन बाद मैं निकल भी जाऊँगी घर। यहाँ कुछ नई चीज़ दिखा यार इनको, क्या दिखाएं गाइस, क्या देखना चाहोगे आप? शिमला में कुछ भी नया नहीं है, शिमला में बहुत कुछ है पर हम जाते नहीं हैं। और उससे भी ज़रूरी चीज़ थी मेरे को यहाँ के कुछ थॉट्स कलेक्ट करने अपने, क्योंकि घर जाके मैंने बोला था मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं अभी कुछ नई चीज़ शुरू करने वाली हूँ, आई थिंक 2 महीने तो लग ही जाएंगे, मुझे नहीं पता वो चीज़ कम्प्लीट होगी नहीं होगी, पर लेकिन हाँ उसके रिगार्डिंग भी मुझे यहाँ पर थोड़ा काम था, तो मैं उसके लिए भी आई हूँ। तो देखते हैं चीज़ें होती है नहीं होती है, अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे, अभी करेंगे अभी और डिस्कस रेलवे स्टेशन पे जाके। तब तक आपसे मिलते हैं बाद में। और ये पहुंच के हम अपने रेलवे स्टेशन, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं, ये देखो वहाँ पे आए भी हैं। तो हमने सोचा यहाँ की थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं, हम भी अपनी प्रेजेंस दे देते हैं, क्यों बहुत टाइम की बात आ रही है। हाँ मैं तो काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ। इस बीच में क्या क्या किया तूने बताएगी ऑडियंस को? इस बीच में हॉस्पिटल इस बीच में इसके रिश्तेदार आए बहुत सारे, फिर ये हॉस्पिटल में व्यस्त थी। रेलवे स्टेशन आए, जब भी मेट की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, ये है टनल 101 शूटिंग हुई थी भाई शूटिंग। हाँ मैं आपको ट्रेन दिखाती हूँ आगे। तो ये आ गई है देखो ट्रेन, आ जाता इस वाले डब्बे में तो कोई पैसेंजर ही नहीं है, आगे वाले में कालका से आप ये ट्रेन ले सकते हो शिमला पहुंचने के लिए। तो वहाँ देखो इन्होंने ट्रेन से कुछ फेंका, तो ये लंगूर खा रहा है, पर इनको ये इसको नहीं देना चाहिए, यहाँ पे मना है वैसे ये सब। आया आया आया, फेंक दिए इन्होंने पहले ही। ओ नमकीन दे दी लंगूर को। तो ये आई अभी दूसरी ट्रेन, तो पहले ये वाली ट्रेन है ये शिमला की तरफ जा रही है, ये कालका की तरफ जा रही है, तो ये वाली ट्रेन इसीलिए वेट कर रही थी। अब ये वाली पहले निकलेगी, फिर जाके ये वाली ट्रेन आगे बढ़ेगी, और फिर जाके दो ट्रेन क्रॉस करती है यहाँ ये इस वाले स्टेशन पे समरहिल में। पीछे वाली ट्रेन को देखो ग्रीन झंडा दिखा दिया वहाँ पे, अब ये चलेगी पहले फिर आगे। यहाँ पे फूल ये भी देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइप के फूल मिलते हैं। ASR कालका शिमला रेलवे, बाय बाय, इसको करते बाय बाय। ट्रेन में देखा आप लोगों ने, लेडी थी चलाने वाली, ट्रेन को चलाने वाली, मैंने तो पहली बार देखी। उन्होंने ऐसे ऐसे हाई भी किया था, बता भी क्या बोलते हैं अपनी ऑडियंस को कुछ क्या पूछूं कि ट्रेन को जो चलाते हैं। अच्छा हाँ, जो ट्रेन को चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे बस को चलाने वाले ड्राइवर, एरोप्लेन को चलाने वाले पायलट होते हैं, ट्रेन को चलाने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं बताना जरा? आपके यहाँ तो काफ़ी ट्रेन चलती होगी, हमारे यहाँ एक ही चलती है, यही है एक इकलौता रेलवे ट्रैक है हमारे पास, यही कालका शिमला रेलवे ट्रैक। तो बताना ज़रा कमेंट्स में नीचे हमें। तो अभी हम आपको दिखाएंगे शिमला का एक स्नेल, इतना बड़ा स्नेल होता है यहाँ पे देखो, इतना बड़ा। कहाँ जा रहे हो भैया स्पीड में? यहाँ से इसको रोड क्रॉस करना है, शाम तक पहुँच जाएगा। गो फॉर इट, यू आर डूइंग गुड गुड गुड। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर, हम कुछ खाने आए यहाँ पे, और ये सब चीज़ें हैं हंगर्स। बैठ।
ये एक फ्रेंड और भी हमारे साथ जिसको व्लॉग में नहीं आना है लेकिन हम लोग आ सकते हैं। चीयर्स। अच्छा सीनियर ऊपर रख दे। चीयर्स। खा पी के हम निपट गए हैं और अब चले हम यहाँ से वापस। थोड़ा आउटिंग भी होगी अच्छी खासी और फ्रेंड से मिलने मिलने लग गया। यहाँ पे काफ़ी शोर ऊपर, पता नहीं किस चीज़ का यहाँ ऊपर इससे शोर आ रहा है। अब चले वापस, थोड़ा वॉक करेंगे मस्त अपने। आजकल बंदर नहीं दिख रहे, यही दिख रहे हैं लंगूर। वो दो तो यहाँ बैठे हैं अपने ही मजे। हम खेल रहे हैं डम शराड, और डम शराड जो भी होता है ये कर रिएक्टिंग। ये वनगी नागिन नागिन नहीं, जो नीचे नाके जो यहाँ पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं बता भाई क्या है, क्या है, क्या नाम है आपका? नाम क्या? उदित। उदित, ये भी बच्चे भी हमारे साथ डम शॉट खेल रहे हैं। तू चाहे जैसा मर्जी दौड़, इसको नहीं पता। तेरे को अगर याद हो, तेरे को अगर याद होगा मैंने दिखाई तेरे को। ओ भाई तू एक्शन एक्शन दिखा रहा है, एक्शन 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 एक्शन। हमारी गेम इतनी फेमस हो गई है यहाँ पे, बहुत सारी ऑडियंस इकट्ठा हो गई है। वो गिरेगा ऊपर से। बच्चे नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे 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 बैठो, बच्चों नीचे बैठो। भाई हमारी गेम होगी इतनी पॉपुलर, देखो ये कितने सारे बच्चे आ गए। सच में देखा है ना, आराम आराम। होली के टाइम वो लगाई थी आपने, लगाई थी वो आप थे वो जिसने ऐसे फेंक के मारा था रंग। ओके ओके ओके, धीरे मग कमरे की बना दिया मैंने, मग समझा। अब पे जाना इस, ये देखना क्या निकलेगा अभी यहाँ। नेवला, ओ हो, कैप्चर कर लिया। शिमला में हमें ये सब कुछ मिलता है देखने को। लड़की अपनी गई एटीएम कैश निकालने, और हम लोग आज बहुत घूमे फिरे, काफ़ी सारी बातें की, प्लस हमने खेला डम शराड, बहुत मजे आए। पता नहीं क्या बोलते उसको, जो भी बोलते हैं वो खेला। और अभी हम हैं एटीएम के बाहर, इसका इंतज़ार करते हैं फिर हम वापस चलेंगे क्योंकि शाम हो गई है। आज घूम घूम के काफ़ी हो गया, इतना घूमना एक दिन के लिए। खंदा बाय बाय, बाइक है चल ठीक है भाई। अब हम यहाँ से अलग अलग जा रहे हैं, ये इधर जाएगी, बाय बाय, मैं इधर जाऊँगी। हाँ कल मिल, कल पता नहीं, कल देखते हैं। तो अब चले हम वापस, आज संडे था तो जो जो मेरे को काम थे वो तो आज होंगे नहीं, तो हमने सोचा थोड़ा आउटिंग टाइप हो जाएगी, वो हम आ गए घूम फिर के। तो अब चले रूम की तरफ, और ये है मेरा रास्ता, और यहाँ से होने वाला है अभी सनसेट। इस साइड से हम जाएंगे इसमें नीचे को। तो देखो हमारे भ्राता आ रहे हैं, अक्षु नमस्ते भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया बताओ। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत धन्यवाद। इन भैया की नई नई जॉब लगी है, इनसे पार्टी ले लो, जिनको भी है कहीं भी दिखे इनसे इनसे पकड़ पकड़ के पार्टी लो। जी जी मिलो आप। कहाँ चले आप? बस जरा घर से सामान आ रहा, बोला जा रहा। ठीक है ठीक है, बाय बाय। तो ये जो भी मिला ये अक्षु है और चुगा भाई हमारा भाई, तो हम दोनों का भाई हो गए। और मैं बता रही थी कि सुबह मैंने लंगूर से पंगा लिया था ना सुबह सुबह, राहुल आज मुझे पूरे दिन भर लंगूर ही लंगूर दिख रहे थे। राहुल मुझे सुबह डरा रहा बहुत ही अच्छे तरीके से, बोलता अब तूने इसके साथ पंगा ले लिया ना, ये बंदर की तरह डफर नहीं होते, लंगूर होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, और ये रखेगा अब तेरी शक्ल याद, और ये अपने मम्मी पापा को भी बता देगा कि इसने मेरे साथ लड़ाई की थी। अब तू निकली हो रूम से, जब जहाँ भी इसके मम्मी पापा मिलेंगे तेरे को, और ये मिलेगा, ये लोग तेरे को तेरे पे अटैक करेंगे। तो मैं सब सब जगह मुझे लंगूर ही लंगूर दिख रहे थे, तो मैं और रीता को बोल रही थी, रीता यार लंगूर से बचा लियो, क्योंकि राहुल बोल रहा था सुबह अब मेरी बारी आएगी। तो मैं क्या सच में ऐसा होता होगा, लंगूर को याद रहता होगा? वैसे लंगूर इतने अग्रेसिव ना थे, पर सुबह वाला लंगूर पता नहीं क्यों इतना अग्रेसिव था। मैंने उसको डराया नहीं था, वो खुद ऐसे हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। मैंने तो उसको, वो आज देखो कितने सारे एनिमल्स देखने, वो जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे,
ये सारे आज मुझे एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बनूंगी आपकी टीचर। तो बताओ बच्चों, आज हमने कौन कौन से जानवर देखे? सुबह सुबह लंगूर, उसके बाद एक स्नेल देखा था हमने, और क्या देखा था, एक कुत्ता भी है यहाँ पर, जंगली मुर्गा और नेवला। ये थी, ये देखे ना, कुत्ता भी दिखा देती हूँ, कुत्ता कुतिया जो भी है। तो अभी डिनर भी हो गया है और आज का व्लॉग करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। इतने सारे एनिमल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, कभी कभी तो यहाँ पे नीचे एक हिरन भी आता है, वो भी देखा है हमने यहाँ पे। और आज क्या देखा हमने, नेवला देखा, जंगली मुर्गे देखे, स्नेल देखा, लंगूर देखे, ये सब तो यहाँ कॉमन है।